लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओम शांति शांति शांति। इसकी आत्मा को शांति दो प्रभु, शांति। जय हो महाबली गजराज अधिराज वरन श्याम बलराम महाराजा वीर प्रताप सिंह की जय हो। जय हो, जय हो। आप सलामत रहे हजार बरस। और क्या कहते हैं सरकार, आपकी उम्र के हर रोज 50,000। जन्मदिन के लिए हार्दिक बधाई। और सरकार को इस सेवक की बधाई, मुबारक हो, मुबारक हो। ईश्वर करे आपको मेरी इस गांव की उम्र लग जाए, और जब तक आप रहे ये गांव रहे, और ये गांव हमेशा बना रहे। क्या बात है दिव्य जी। हाय डैडी, कांग्रेचुलेशंस, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्या पिता पुत्र की जोड़ी है। पर सरकार अब जल्दी कीजिए, मंदिर भी जाना है। अरे ये तो कलयुग का कमाल है सरकार, के आपको जाना पड़ता है, उल्टे भगवान को यहाँ आना चाहिए आपका दर्शन करने के लिए। लाला जी, सरकार अगर आपकी सूझबूझ भगवान में होती तो कलयुग आता ही क्यों। सजनिया ये क्या कर रहे हैं माली? तुझ पे बिजली गिरा रहा हूँ। आजा। अरे कब तक शर्माएगी तू? शर्मा नहीं रहे माली, डर रहे हम ठहरे। हश्ट, प्रेम जात पात नहीं मानता। अच्छा आज जुलूस में आपके मुंह पे ऐसा तेज था कि आंख ठहरती न रही। सुंदरिया, हम जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, नहीं तो भला हमें आपकी गोद में जगह मिलती? आप कहे थे ये बरस काट के बाद अपने ब्याह की बात सारे गांव को बता देंगे। तेरा मेरा प्यार तो भगवान के सामने हो चुका है सुंदरिया, क्या कोई पंडित भगवान से बड़ा है? क्या गांव वाले भगवान से बड़े हैं? ये बात नहीं, हम मां बनने वाले हैं शायद। भैया लोगन को पता चल गया तो राम प्यारी के पास चली जाना। क्यों मालिक, आप वादा किए थे कि हमारे आपके ब्याह की बात गांव वालों को बता देंगे। और अपनी नाक, अपनी औकात याद रख। मेरा ब्याह और तुझसे, छी 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 छी, सोचने में शर्म आती है, तुझे कहने में नहीं आई। शर्म तो आप ही ने तोड़ी है मालिक। चुप रह, भीमा। भीमा गवाह है मालिक। क्यों रे? आप देवी के सामने हमसे शादी किए थे, हमारी मांग में देवी के चरण का सिंदूर भरे थे। चूल्हे में जाए तू और तेरी देवी। दया करिए मालिक, हमारे भाई हमको मार डालेंगे, बिरादरी उनका हुक्का पानी बंद कर देगी। अच्छा।
मर जाए भूखे। दया करिए माली, हम कहीं के नहीं रहेंगे माली। कौन? अर्जुन। क्या कर रहे हो? सिगरेट पी रहा हूं। शाबाश, खूब नाम रोशन करोगे। से मार कर अपनी इज्जत बचा रहे हो, और जिसने इज्जत ली उसको छोड़ दोगे? अगर हिम्मत है तो उस ठाकुर की जान लो जिसने इसे शिकार बनाया, उस देवी की जान लो जिसने शिकार बनते देखा। अरे भैया, मेरे बड़े भाग जो तुम रास्ता भूले। कह लो बहना, तुम भी कह लो। अपने लोग ताने नहीं देंगे तो और कौन देगा? कल तुम्हारा भतीजा भी बहुत बिगड़ा कि मैं उसकी बुआ का ख्याल नहीं रखता। अब बताओ, मुझे सगी बहन से प्यार जताने के लिए गांव में ढिंढोरा पीटना पड़ेगा? ये बच्चे कुछ समझते ही नहीं। सावन का बादल क्या बरसेगा जो विजय बरसा है मुझ पर? क्या अर्जुन जैसे तेज समझदार लड़के को गांव में सड़ा रहे हैं? और भी जाने क्या क्या, मुझे तो सब बातें याद भी नहीं। मगर यह बात तो वो ठीक कह रहा था, अर्जुन यहां पड़ा पड़ा करेगा भी क्या? सोचता हूं कि विजय के साथ शहर भेज दूं, बड़ा हो गया है, वहां कुछ कामकाज करेगा। मगर मेरी तो वो सुनता ही नहीं, दुश्मन समझता है मुझे। ना समझ है भैया, उसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो मैं करता ही रहता हूं। उसे कहो कि तैयार हो जाए, आज विजय शहर जा रहा है, उसके साथ ही चला जाए। तुम्हारे लिए लाया था, उसके शहर जाने के बाद तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अभी ये घर इतना बेगरत हुआ कि आपके दया की जरूरत पड़े। देखा बहन, और तुम कहती हो मैं रास्ता भूल गया। अर्जुन, तेरी अकल मारी गई है? मांग भैया से माफी। कभी नहीं मां। जिस आदमी ने जीते जी मेरे पिता को निगल लिया, उससे माफी मांग के मैं अपने पिता की याद को शर्मिंदा नहीं करूंगा। सारा गांव जानता है जीजा जी ने आत्महत्या की थी। उन्होंने आत्महत्या की नहीं थी मां, तुम्हारे भाई ने उनसे आत्महत्या करवाई थी। जब उन्हें दारू पिला पिला कर और बेईमानी से जुए में हरा हरा कर पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया, तो वो क्या करते? शरीफ आदमी थे, जहर खा के मर गए। अगर बेगैरत रहे होते तो इनके तलवे चाट कर जी रहे होते। मुझे मालूम है ये क्यों मुझे शहर भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं इस गांव से नहीं जाऊंगा। अच्छा, तब तक फांस की तरह इनके दिल में खटकता रहूंगा जब तक मौत इनका दरवाजा नहीं खटखटाती। अर्जुन, अब नहीं रुकूंगा बहन। तुम्हारा लिहाज करके बहुत सुन लिया, लेकिन अगर गांव वालों ने इसकी बातें सुन ली तो वो किसी का लिहाज नहीं करेंगे। इसके बखिए उधेड़ के तुम्हें सौंप जाएंगे। सूरज आ गया। अरे पहला गुमा, जीते रहो बेटा। ये क्या सूरत बना ली है? शहर में खाने को नहीं मिलता या इम्तिहान में बैठने के लिए हड्डियां गलानी पड़ती हैं? हाँ, तुमने सोचा होगा कि हड्डियां गलाने से इम्तिहान में बैठने देते हैं, इसीलिए फीस के रुपए नहीं भेजे। क्या कह रहा है, उन्होंने मनी ऑर्डर तो कर दिया था। वो मनी ऑर्डर ठाकुर जी की हवेली तक पहुँच कर रुक गया। तू चुप रह, जाके खाना बना। तुम लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि थोड़े से पैसे की खातिर मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई? तुझे नहीं मिले होंगे बेटा,
वरना उन्होंने तो पैसे भेज दिए थे। तेरा भला बुरा वो भी समझते हैं। वो कुछ नहीं समझते माँ, और तुम समझ के ना समझ बन रही हो। वो हैं कहाँ इस वक्त? पैसे वसूल करने नंदीपुर गए हैं। बौजी, मालिक ने कुछ पैसे मंगाए हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं पैसे लेके आता हूं। तो ठाकुर जी की हवेली नंदीपुर और जुआ खेलना पैसे वसूल करना हो गया? कब तक झूठ और सच से लड़ती रहोगी मां? बुजुर्गों की जायदाद जुए की बाजी की तरह ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तब क्या दर दर भीख मांगोगी? रोक नहीं सकती उन्हें। रोक सकती तो कब की रोक लेती। मेरी सुनते तो मुन्नी का ब्याह ना हो जाता, तू परीक्षा देकर ना लौटता, नंदीपुर के खेतों को नीलाम होने से ना रोक लेती। स्त्री जात बहुत बेबस होती है। सूरज, तू कहाँ चला? तेरे आंसू पोंछने हैं।